टिस्का जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्जेशन में। मतलब जब भी आप आती हैं किसी मूवी के साथ तो एक अपनी छाप छोड़ जाती हैं, लोगों को काफ़ी पसंद आता है आपका किरदार, चाहे वो किस्सा हो, रहस्य हो, तारी ज़मीन पर हो, दिल तो बच्चा है जी। तो इस बार क्या जादू होने वाला है? आई थैंक यू सो मच, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। मैं अपने रोल्स को एक अलग तरह से अप्रोच करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप जितने सारे किरदार मुझे खुशकिस्मती से मिले हैं प्ले करने को, जितने सारे किरदार प्ले करने का मौका मिला है, अगर इन सबको खड़ा कर दें साइड बाय साइड, तो आपको लगना चाहिए कि ये अलग अलग लोग हैं, आपको सेम पर्सन नहीं लगना चाहिए। तो चाहे उनकी बोलने का तरीका हो या उनके लाइफ की एनर्जी हो, वो अलग हो, वो मेरी कोशिश रहती है। तो कुछ कुछ किरदार ऐसे होते हैं हम देखते हैं कि जब पिक्चर देखते हैं कुछ वक्त तक लोगों को याद रहता है, कुछ किरदार होते हैं जो अमूमन मतलब लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है, तो वो ऐसा कौन सा एक किरदार होगा जो अभी तक लोगों को याद? आप सोचेंगे शायद कि मैं तारे ज़मीन पर का नाम लूँगी, बट मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी और प्रोड्यूस की थी जिसका नाम है चटनी। थैंक यू सो मच। तो वो कैरेक्टर मेरे जहन के सबसे करीब है एट द मोमेंट, क्योंकि वो सबसे चैलेंजिंग था। मैं चैलेंजिंग दोनों तरीके से, एज एन एक्टर एज वेल, क्योंकि आई वॉज प्लेइंग समबडी जो बिल्कुल मेरी तरह नहीं है। वो गाज़ियाबाद से है और लोग कर वो दांत लगे हुए थे और स्किन उसका कुछ अलग तरह से था एंड ऑल दैट, बट ऑल्सो आई वॉज राइटिंग एंड प्रोड्यूसिंग दैट फिल्म, तो मेरे लिए वो हर तरह से एक चैलेंज था। दैट्स द वन दैट आई एंजॉय द मोस्ट। जब भी पिक्चरों का चुनाव होता है तो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ योर्स टू एक्सेमिन एनी मूवी एनी कैरेक्टर? किस तरह से आप किसी किरदार को चुनती हैं? कोई स्क्रिप्ट होता है या लाइक स्टार कास्ट देखती हैं आप, क्या होता है? ये सब तो नॉर्मल जो नेचुरल प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं, वेदर इट इज़ यू सी द प्रोजेक्ट एंड यू नो यू सी कि ये फिल्म रिलीज़ भी होगी कि नहीं। आप इतनी मेहनत करते हैं, लिटरली अपना खून और आंसू पसीना उसके अंदर डाल देते हैं लिटरली, क्योंकि इतनी गर्मी और कई बार इतने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में हम लोग शूट करते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें तो ध्यान में रखते हैं, प्राइस ये वो सब वो सब, पर उसके अलावा आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फील इज़ अ वाइब जो डायरेक्टर और आपके प्रोड्यूसर से आपको एक एनर्जी मिलती है। तो अगर वो पैशनेट और एंथुजियास्टिक हैं अपने प्रोजेक्ट को लेके, अपनी कहानी को लेके, तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, बिकॉज इफ़ यू फील दैट देर इज़ समथिंग वंडरफुल। तो जैसे मानव हैं, वो हमारे लस्टम पस्टम के डायरेक्टर हैं, ही इज़ अ वंडरफुल फर्स्ट टाइम डायरेक्टर एंड अ लवली एनर्जी, सो पॉजिटिव। तो वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग चिड़चुड़ चुड़चुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहते हैं, मुझे उनके साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। और दूसरे साइड पे मुझे वैसे भी लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो चिड़चिड़ कुड़कुड़ करते हैं पर अपनी परफेक्शन के लिए, जो उनके दिमाग में एक आइडिया है कि मुझे ऐसा ऐसी इमोशन चाहिए, और मुझे 10 बार करवाते हैं जब तक उन्हें वो मिल नहीं जाता, मुझे वो भी बहुत पसंद है। तो चिड़चिड़ कुड़कुड़ लोगों को लेके नहीं, आइडियाज़ को लेके जो करते हैं, मेरे को वो लोग पसंद हैं जो आइडियाज़ को लेके वो उस तरह से डिस्कशन करते हैं, आई लव दैट। और जहाँ तक सवाल है और क्या देखती हूँ, आई सी ऑल्सो द स्टोरी, क्योंकि अगर ये कहानी कंटेंट की, अगर ये कहानी कुछ है जो यू नो मज़ा आ रहा है, लुत्फ आ रहा है उसको सुनने में, तो फिर आई डेफिनेटली वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। एक्टर्स भी ऐसे देखते हैं, सेलिब्रिटी देखते हैं जो पिक्चर खत्म मतलब रिलीज से पहले उनको नर्वसनेस तो होती ही है, और फिर ऐसे भी होते हैं जो अगर पिक्चर फ्लॉप हो जाए तो दे दिन बहुत कि हाँ मतलब आई सीन लॉट्स ऑफ। आपको कभी पिक्चर फ्लॉप होते तकलीफ होती या रिलीज से पहले नर्वस होते हैं? आई वोंट से नर्वस एक एग्जैक्टली कम्युनिकेट नहीं करता जो मैं कहना चाह रही हूँ। आई थिंक एक एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि जब मैं परफॉर्म भी कर रही होती हूँ तो मेरे माइंड में ये होता है कि बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिएटर, तो मुझे लाइव एक्सपीरियंस जो है कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं,
तो कई बार जैसे मेरे लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है जब मैं शूटिंग फिनिश करके घर जाती हूँ, तो वो शूटिंग से घर तक का जर्नी मेरे लिए सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे लगता है ये करना रह गया, वो करना रह गया, ये करना था, वो करना था, तो मेरे लिए वो सबसे तकलीफदेह काम होता है। उसके बाद इतने प्रोसेसेस होते हैं, आपने आटा गूंद के तो रेडी कर दिया, बैटर बना दिया केक का, उसके बाद केक को बेक होना है, उसके ऊपर साउंड आना है, एडिटिंग आना है, म्यूज़िक आना है, यू नो कलर करेक्शन आना है, इतना कुछ आना है उसके बाद कि आपके हाथ में बहुत कम रह जाता है एज एन एक्टर। तो आई फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक वो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि बहुत अपेक्षाएं लेके लोग अपना समय निकालते हैं अपनी ज़िंदगी में से और फिल्म देखने आते हैं, तो अगर उनको उस टाइम की और वो जो पैसा उन्होंने खर्च किया है उनकी वसूली ना मिले, तो आई फील दैट के वो नहीं सही है। एक प्लॉट चूज करके किसी ने सालों से रख लिया कि हम ये डेट पे रिलीज, मतलब शूट से पहले ही उसकी रिलीज डेट फाइनलाइज हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं भी गलत एक हिसाब से दिखाई देता है कि दो एक साल पहले रिलीज होने वाली है उसकी डेट अभी फाइनलाइज हो गई। और इस बारे में क्या सोच रहे हैं? इसके बारे में मेरी दो राय हैं। अभी मैंने कोई फीचर फिल्म तो रिलीज़ की नहीं है खुद एज अ प्रोड्यूसर और अ राइटर, मैंने ओनली एज एन एक्टर फिल्में रिलीज़ करवाई हैं या रिलीज़ करने में हेल्प की है। अगर आप प्लानिंग के साथ चले, और बहुत मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए एक फिल्म की, एक साइड से ये क्रिएटिव काम है, दूसरी साइड से ये बिज़नेस भी है, तो अगर आप दोनों पहलुओं को साथ में रखें, तो अगर आप क्रिएटिविटी को एक सर्टन टाइम फ्रेम में अगर आप 10 साल लगा रहे हैं एक फिल्म बनाने के लिए, तो वो आप कितने लोगों का कितना समय और कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो यू हैव टू हैव अ लॉजिक एंड अ प्रैक्टिकलिटी टू मेकिंग द फिल्म एंड रिलीजिंग इट। तो एक आपकी रिलीज डेट फिक्स हो जाती है, तो यू वर्क टू अ स्केड्यूल, सबकी डेट, सबका आना जाना, ये वो ट्रैवल वगैरह 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 सब स्ट्रीमलाइन हो जाता है। सो आई एम नॉट अगेंस्ट इट। एट द सेम टाइम क्योंकि मैंने दो शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस की हैं और लिखी हैं और एक्ट भी किया है, तो मुझे ये पता है कि कई बार कुछ ऐसी मैजिकल चीज़ें होती हैं, ख़ास करके जैसे एडिटिंग है या बैकग्राउंड म्यूज़िक है, ये इतनी मुश्किल लेयर्स हैं, पतली सी जिल्द होती है, तो लगाते लगाते वो आपके काम के ऊपर वो फट सी जाती है या नहीं बन रही है, तो उस पर समय लगता है। तो वो अगर आप समय एडिक्वेट समय रखें उसको करने का, तो ज़रूर आप टाइम से रिलीज़ कर सकते हैं फिल्म। पिक्चर की बात करें तो कभी यूनिक टाइटल है ये, yes, जाती है लस्टम पस्टम, इसका थोड़ा मतलब समझेंगे। मानव आपको जो हमारे डायरेक्टर हैं वो आपको और डिटेल में बता सकेंगे, जहाँ तक कि मुझे पता है महबूब साहब जो हमारे लिरिसिस्ट हैं उन्होंने गाना कंपोज किया लस्टम पस्टम को लेकर, और मानव को लगा कि बहुत कैची है ये टाइटल, इट मीन्स दैट आई विल लव माय ब्रदर नो मैटर व्हाट, आई विल डू एनीथिंग फॉर द लव ऑफ माय ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई नहीं बट ब्रदरहुड के हिसाब से, सो आई थिंक दैट इज़ द नेम ऑफ द टाइटल, वेरी कैची, वेरी डिफरेंट। एक बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया मैंने, आई एम राइटिंग अ फीचर फिल्म, और ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं लिखते लिखते, और वो परफेक्शन करते करते, एक एक शब्द को तोलते तोलते, डिलीट कर फिर डाल डाल, निकाल निकाल, डाल कर करके मैंने अपने आप को एक्चुअली एक पॉइंट पे मैं बीमार पड़ गई, मैं इतना ज़्यादा उसको पर्सनली ले लिया था, इट्स अ कॉमेडी, उसके बावजूद भी आई बिकेम सो स्ट्रेस्ड विद इट, देन आई गिव इट अ ब्रेक, अब जाके वो थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ एंड वी रीच्ड अ वेरी नाइस प्लेस विद इट, सो आई एम एक्चुअली इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज फाइनली जो मेरे माइंड में था ऑलमोस्ट 95% वहाँ तक आ गया है। फोर मेन पीपल, अभी लिखना ही प्रोसेस खत्म होने पे आया है। राइटिंग की बात करें, ऑथर की बात करें, स्क्रिप्ट राइटर की बात करें, इसके लिए आई वाज टॉकिंग टू सवाना जी ने हमें भी दी थी बात, हो रही थी मुद्दे पे कि स्क्रिप्ट राइटर हमारी इंडस्ट्री में बहुत अहम हिस्सा है, अगर कोई स्टोरी लेके आता है तो उसको उतना ही दर्जा दिया जाए जो एक्टर को दिया जाता है, हम देखते हैं इकोनॉमिक में ले लिया जाए पैसे के मामले में उनको उतना
नहीं मिल पाता। पापा डोंट डिस्टर्ब, आई कांट हियर हिज क्वेश्चन। तो यस्टरडे वाज टॉकिंग अबाउट आमिर, तो एक मुद्दे पे बात हुई थी, स्क्रीन राइटर जो कहानी लिखते हैं, तो बात थी कि उनको उतना ही दर्जा दिया जाए जितना फेम जितना पैसा एक्टर को दिया जाता है, वो लेवल वो स्टैंडर्ड उतना नहीं दिया जाता। इस बारे में आपकी क्या राय है बॉलीवुड में? मेरे हिसाब से हमारी ट्रेडिशन ऑफ फिल्म मेकिंग जो है वो हमारी ट्रेडिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग के हिसाब से उस लेवल तक नहीं आ पाया है। हमारी जो राइटर्स हैं, जैसे आप मुल्कराज आनंद ले लीजिए या भीष्म साहनी ले लीजिए या मोहन राकेश ले लीजिए या महान राइटर्स जो रहे हैं, हमारी जो रामायण या महाभारत या जो हमारी स्टोरी टेलिंग है वो बहुत डिटेल्ड और बहुत वंडरफुल है, बहुत उसमें दाव पेच और ऊपर नीचे और इतना जूसी और मसालेदार है और एंटरटेनिंग है हमारी कहानियों का ट्रेडिशन जो है इंडिया का। हमारी फिल्म मेकिंग कहीं पे उस लेवल तक नहीं आ पाई है। और मेरा मानना ये है कि ये इसलिए है, ऐसा है क्योंकि जो राइटर है, स्क्रीन राइटर है, वो अब जाके थोड़ा सा वो माहौल बदला है कि उनकी भी पेमेंट की बात एक लेवल पे आती है, एक दर्जे पे आती है। नहीं तो हम वो झोले लेके बेचारे घूम रहे होते हैं, अपनी यू नो लैपटॉप लेके घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, अपनी कहानियाँ सुनाए जा रहे हैं लोगों को। तो उनका जब तक कि आपका कंटेंट स्ट्रांग नहीं होगा, जो फर्स्ट लेयर है, अगर आपकी कहानी की फर्स्ट लेयर ही स्ट्रांग नहीं है, जो कहानी ही स्ट्रांग नहीं है, आप उसी चीज़ को लेके जो 1970 में बनाई थी उसको तीन लोगों को एक्टर को बदल के नए गाने डाल दिए, रीमिक्स कर दिया, ये कर दिया, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू। बट द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। आज अगर आप एक कहानी बनाएंगे विदाउट अ मोबाइल फ़ोन या विदाउट अ कंप्यूटर, वो कहानी वास्तविक ही नहीं लगेगी। तो जो रियलिटीज़ विद चेंजेस इन टाइम आती हैं उनको फ़िल्टर इन करना और उस हिसाब से आज का जो लिटरेचर है वो लिटरेचर और फिल्म्स में सिनर्जी नहीं हुई है एट द मोमेंट, ऐसा मुझे लगता है। सेम आमिर जी ने भी यही कहा था कि प्रोडक्शन में लिसनर जो होते हैं, लिसनर जो होते हैं, जो सुनते हैं, उनको चेंज करना चाहिए, उनको बदलना चाहिए, उनकी जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ये सहमत है आप इससे? जी बिल्कुल।